गुइलिन मेडिकल यूनिवर्सिटी गुआंगशी प्रोविंस की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीयों में इसका शुमार होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट डिफरेंट कंट्रीज से 1000+ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट यहाँ आए स्टडी करने के लिए, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, वियतनाम, ताजिकिस्तान और फिलिपाइन, इन तमाम कंट्रीज से स्टूडेंट्स यहाँ आए स्टडी करने के लिए। ये एक फेस्टिवल था, कल्चरल फेस्टिवल था। यहाँ पे डिफरेंट फूड, ये देखें नेपाली फूड, नेपाल के स्टूडेंट्स हैं, फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने प्रिपेयर किया। बहुत डिलीशियस लुक थी इसकी, मुझे तो खैर चखने को नहीं मिला। इसमें गाजर का हलवा और जलेबियाँ थी, इसकी इनकी ट्रेडिशनल स्वीट्स थी और पाकिस्तानी फूड्स हैं। ये पाकिस्तानी फूड्स हम आपको दिखाएंगे। पाकिस्तानी फूड्स हमेशा से जो है ना अपनी मिसाल आप रहे हैं। ये देखें आप कितने डिलीशियस लुक है, काफ़ी मेहनत की स्टूडेंट्स ने, ये फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ये देखें इसमें गाजर का हलवा, खीर है और कबाब बनाए हैं और सैलड, मज़े मज़े की यमी यमी फूड्स बनाए पाकिस्तानियों ने। अपने कल्चर को भरपूर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पाकिस्तानी भी किसी से किसी फील्ड में कम नहीं है। और ये हमें वियतनामी फूड दिखाया जा रहा है, इसमें फिश है और दूसरी कोई मुश्किल सा नाम उन्होंने इस डिश का मुझे बताया था, वो तो मुझे अब याद नहीं, लेकिन मज़े का लग रहा है, ये फिश है। और ये देखिए पाकिस्तानी स्वैग है, सैलड बनाया, प्रॉपर डेकोरेट किया है। ये स्टूडेंट्स हैं, सब इस फेस्टिवल को ज्वाइन कर रहे हैं, देखने आए हुए हैं और प्रॉपर एक चैनल के थ्रू ये सारी चीज़ें मैनेज हुई हैं। टीचर्स आए हैं, ये वियतनामी स्टूडेंट्स हैं और ये चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं। बहुत मेहनत की है ताने, सारी रात जाग के क्लास छोड़ी है, सुबह सुबह बहुत मेहनत से बनाया। चार बजे तक बनाता रहा है। अच्छा। के लिए बनाया क्या क्या? इसने बनाया खीर, बनाया कस्टर्ड, बनाया और बाकी आलू गोभी बनाए थे, वो रूम में हमने खा लिए। नहीं आप हमारी मेहनत देख सकते हैं। हाँ दिखा रहा हूँ मैं आपकी मेहनत जो है ना, आप इस कैमरे को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट किया। नहीं हमने तो कोई नहीं किया, हमें पता ही नहीं था, अभी पता चले, पर अच्छा लग रहा है। सब इकट्ठे हुए, डिफरेंट लोग आए हुए, डिफरेंट क्या बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया था चाइनीज़, इसको भरपूर अंदाज से इन्जॉय करते। मैंने पूरा फोकस करने की कोशिश की, मैं देखना चाह रहा था कि कैसे खाएंगे, लेकिन मैं फोकस नहीं कर पाया पूरा। फ्लैग को मेंशन कर रहे हैं, साथ दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी कल्चर को प्रॉपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आके मीन्स के एक हुब्बुल वतनी का एक जज्बा आपके अंदर क्रिएट होता है, मीन्स के बहुत खुशी होती है जब पाकिस्तानी फ्लैग को इंटरनेशनली जब ऐसे लहराया जाता है तो दिली सुकून मिलता है। बहुत खुशी हो रही थी अपने पाकिस्तानी कल्चर को देख के, बिरयानी बनाई, समोसे, ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी फूड जो है ना अपनी मिसाल आप था। यहाँ पे वियतनामी स्टूडेंट्स स्टार्स इन्होंने लगाए हुए अपने फेस पे, इन्होंने भी काफ़ी जो है ना हार्ड वर्क किया, अच्छा फूड था इनका भी। मैं वीडियो में बिज़ी रहा और मैंने जो है ना ताजिस्तानी फूड था ये मैंने ट्राई किया था, थोड़ा सा दिया था इन लोगों ने। मज़े का फूड था इनका भी, एक ताजिकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं। और ये देखें नेपाल की ये
اپنی روایتی ٹریڈیشنل ڈش ہے. چکن کی کوئی انہوں نے ڈش بنائی, اس کو ماس بولتے ہیں. پاکستانی اسٹوڈنٹس ان کا علیحدہ سویگ ہے. پاکستانی جہاں ہوتے ہیں وہ علیحدہ سے ہی نظر آتے ہیں, ان کا ایک سویگ ہی ڈفرینٹ ہے. سیلفیز لے رہے ہیں اور یہ سیلفیز آپ کو فیس بک, واٹس ایپ, ہر جگہ پہ وائرل ہوئی نظر آئیں گی. جو میں نے بنایا وہ میں ضرور یوٹیوبر کو کھلاؤں گا. فرسٹ آف آل اس کو ٹرائی کراؤں گا, ٹیسٹ کراؤں گا اور ان شاء اللہ آپ کو پسند آئے. آپ کو یہ سچ میں اتنا ٹائم لگا, رات کے جاگے ہوئے ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی, کیونکہ کوئی بھی چیز بنانے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے, تو کوئی بھی چیز ہو محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں. جس طرح آپ دیکھیں محنت کر رہے ہیں, کوپریٹ کیا آپ کے ساتھ یا اکیلے لگے رہے ہیں؟ کوپریٹ کیا, ہم تین لوگ تھے, تین بندوں نے مل کر. کون کون تین لوگ تھے؟ دو گرلس تھی. اچھا, ایک میں تھا. چلے بہت اچھا ہے. تو یہاں پہ تو پرائزز دیے جائیں گے؟ نہیں, پرائزز نہیں ہے, بس حوصلہ دیا ہے. یہ بس اپنے دوستوں کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے یہ چیز کر رہے ہیں, خوشیاں بانٹ رہے ہیں, ویسے کافی مزے کی گپ شپ ہوئی. اب یہاں پہ بہت ہی جلد جو ہے نا وہ کھانے پینے کا سین اسٹارٹ ہونے والا ہے. میرے ساتھ کوئی ہیلپر موجود نہیں تھا, کافی مس کیا میں نے کھانے کو. عمر کوئی ہماری ٹیچر ہے, چائنیز ٹیچر, یہ بھی پورا ایونٹ انہوں نے کور کیا. یہ بھی کیا ڈش ہے؟ یہ فروٹ چاٹ, یہ ڈفرینٹ چیزوں کے ڈفرینٹ فروٹ ڈال کے اس کے اندر پھر فروٹ چاٹ اور چالے فروٹ چاٹ کا سب کو پتا ہوتا ہے. بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ. اور ہم نے جو ہے نا آج چکن کڑھائی بنائی تھی اور دہی بھلے بنائے تھے, اور ساتھ جو باقی ہمارے پاکستانی ساتھی ہیں انہوں نے سموسے اور بھی فروٹ چاٹ, کھیر اور بہت ساری چیزیں بنائی ہیں. تو یہ کمپٹیشن ہے, کوئی اس کے لیے کوئی پرائز دیا جائے گا؟ یہ تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ پرائز دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا, لیکن کلچرل فیسٹیول ہے تو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. ساتھ تھے انہوں نے جوائن کیا تھا ہمیں, انٹرسٹنگ باتیں بتا رہے تھے کافی. یہ دیکھیں اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, جو ہے نا مینس گریجولی کی تعداد بڑھ گئی. اور یہ پراپر ابھی یہاں پہ شو کیا جا رہا ہے فوڈ کو, پاکستانی فوڈ کو. ڈفرینٹ کائنڈ کے فوڈ ہیں. رول یہ تھا کہ پاکستانی جو فوڈ ہے اس کو پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے, دوسرے جو ہیں انہوں نے ٹیسٹ کرنا تھا, لیکن یمی فوڈ تھا. پھر کسی رول کو فالو نہیں کیا گیا. یہ ہماری چائنیز ٹیچر, میں نے ان کو ہیلو بولا اور بس پھر آپ کو پتہ ہی ہے ہمیشہ کی روایت کی طرح جب کھانا اسٹارٹ ہوتا ہے تو بس پھر کوئی رول فالو نہیں کیا جاتا. انڈین فوڈ یہاں پہ دیکھیں, انہوں نے چنے بنائے ہیں, ساتھ میں نان ہے. اور یہ ڈین ہے ہماری, وائس ڈین ہے, ٹرائی کر رہی ہیں. میں نے ان سے پوچھا ابھی کیسا کھانا لگا, تو انہوں نے بتایا کہ مزے کا کھانا ہے. اور انڈین اسٹوڈنٹس نے کہا کہ یہ ہماری ڈین ہے, انجوائے کر رہی ہیں فوڈ کو. میں نے پوچھا کیسا ہے, مزے کا ہے. اور یہ ایک ہماری چائنیز ٹیچر ہے, بہت اچھی ٹیچر ہے, ہارڈ ورکنگ ٹیچر ہے. یہ بھی جو ہے نا سوچ رہی ہیں ابھی کس چیز کو جو ہے نا ٹرائی کریں. جو موسٹ ڈیلیشیس چیز تھی ان کو میں نے سجیسٹ کی, انہوں نے ٹرائی کی, کافی انہوں نے انجوائے کیا فوڈ کو. اور یہ دیکھیں یہاں پہ نیپالی اسٹوڈنٹس, وہی نا رول یہ ہے کہ ابھی اپنا فوڈ ٹرائی نہیں کر سکتے, لیکن یمی فوڈ دیکھ کے تو پھر ٹرائی کرنے کو دل کر پڑتا ہے. اور سیلفیز یہاں پہ چل رہی ہیں, دیکھیں کتنا رش لگا ہوا ہے پاکستانی فوڈ کے لیے. چائنیز اسٹوڈنٹس کافی جو ہے نا ایفرٹ کر رہے ہیں پاکستانی فوڈ کو جس ٹیسٹ کرنے کے لیے. کافی زیادہ جو رش تھا مینس کہ پاکستانی ڈیلیشیس. میرے ٹیچر سے پوچھیں ویری گڈ, وچ کنٹریز فوڈ یو ڈیڈ یو موسٹ لائک دس؟ اسکول اسی تھے,
और बता रहे थे फूड के बारे में, काफ़ी पसंद किया उन्होंने फूड को। मैंने उनसे पूछा किस कंट्री का फूड ज़्यादा यम्मी है, तो उन्होंने कहा कि सब कंट्रीज़ का फूड यम्मी है, बहुत अच्छा उनका मैसेज मुझे लगा। ये ताजिकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, फूड की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, काफ़ी यम्मी फूड था, बहुत मज़े का फेस्टिवल गुजरा। ये वेरी नेक्स्ट डे जो है ना, हमारा एक और शो है, उसमें कैट टॉक्स हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, वो भी हम अपने व्यूवर्स को ज़रूर दिखाएंगे। चैनल के साथ बस आप स्टिक ही रहें। ये देखें फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और सब स्टूडेंट्स फूड को एंजॉय कर रहे हैं प्रॉपरली में। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चाइनीज़ स्टूडेंट्स को, और हम ये आपको जो है ना थोड़ा सा हाइट पे आए हैं, उसका ऊपर से व्यू दिखा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा था, तो इन सारी चीज़ों को कवर करना इतना आसान नहीं था। मैं भी चाह रहा था कि पाकिस्तानी फूड जो है ना वो थोड़ा टेस्ट करने के लिए मिले, एट दी एंड काफ़ी स्ट्रगल के बाद मुझे मिला था, मैंने काफ़ी यमी था समोसे मैंने खाने की कोशिश की थी, लेकिन वो समोसा मास्टर कह रहे थे कि काफ़ी यमी थे, वो अर्ली ऑन फिनिश हो गए। और ये देखें आप, काफ़ी रश लगा हुआ है, स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये देखिए कल्चर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं नेपाली स्टूडेंट्स, नेपाल की सीनरीज दिखा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं विजिटर्स को। देखते हैं अब ये इस कोशिश में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, मुझे तो काफ़ी हद तक इन्होंने कन्विंस किया। और ये देखें वियतनामी स्टूडेंट्स स्माइल दे रहे हैं, डिफरेंट लुक थी इनकी, स्टार था फेस पे, सबसे डिफरेंट नज़र आ रहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जो है इट वॉज गुड, आई कुड नॉट ईट बट आई थिंक इट टेस्ट्स ग्रेट, सो थैंक यू फॉर योर इनिशिएशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वुड यू लाइक टू गिव मैसेज टू योर नेपाल फ्रेंड्स, योर फैमिली? आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर थैंक यू, थैंक यू, नथिंग एल्स, थैंक यू, बाय बाय। एंड दिस वन इज नेपाली डिश, इट इज रियली यमी, एंड वी आर वेरी मच, वी आर वेरी ग्लैड टू पार्टिसिपेट इन सच टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, थैंक यू सो मच यूनिवर्सिटी। थैंक यू सुमन भाई को खाना मिला हुआ है, हम उनसे पूछेंगे ये क्या खा रहे हैं। मैं सेव रोटी खा रहा हूं, नेपाल की लाइक ये ट्रेडिशनल डिश है, और ये खीर पाकिस्तानी खीर राजवाब, बहुत मजा आया आज, मजा बहुत मजा बहुत मजा आया ब्रो आज, बहुत मजा ऐसे होना चाहिए प्रत्येक साल। खीर खाना खा लिया, क्या खाया आज? पाकिस्तानी वियतनामी, कौन सा ज्यादा डिलीशियस लगा आपको? नेपाली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, सब्सक्राइब जरूर कर लें।